अभी हम PHE चीफ इंजीनियर ऑफिस जम्मू में हैं और यहाँ पे आप देखेंगे पूरा ऑफिस के बाहर यहाँ पे PHE डेली वेजर्स पिछले 15 दिन से, आज 15वां दिन है इनका, स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और इनको अगर कुछ मिल रहा है वो है सिर्फ आश्वासन। और इन्होंने अब ठान ली है कि आश्वासन से ये अब रुकने वाले नहीं हैं, जब तक नहीं इनको इनकी पूरी जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी तब तक ये पीछे हटने वाले नहीं है। सर क्या नाम आपका? मैं रवि हंस, मेंबर PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। सर पूरे पिछले 14 दिन की जो डेवलपमेंट है इस स्ट्राइक की, क्या असर हुआ और क्या डेवलपमेंट है? देखिए पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने खुद भी कई जगह कवर किया है कि पानी की जो है वो किल्लत है जम्मू प्रोविंस के अंदर, लेकिन सरकार की तरफ से हमें न्योता आया था 3 दिन पहले, हमारे कमिश्नर साहब ने बुलाया था, तो वो कहते हैं कि जी अभी 23 तारीख को कोई बजट पेश होने वाला है तो हम आपके बेजेस का जो प्रोविज़न है वो बजट में करेंगे और आपको बेजेस जो है आपकी पेंडिंग वो मिल जाएगी 17 महीने की। तो पहले तो हमने उनको ये बोला कि हमारी 17 महीने की नहीं बल्कि लगभग कहीं 60 महीने की है, कहीं 65 महीने की है, कहीं 48 महीने की है। तो वो कहते हैं नहीं, आपकी 17 महीने की पेंडिंग है, जिससे ये साबित होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आया है लेकिन PHE डिपार्टमेंट के अंदर हेराफेरी हुई है, जो लोगों तक तो पैसा नहीं पहुंचा है। एक तो हम ये चाहते हैं कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, वो पैसा कहाँ गया। अगर हमारे अकाउंट में 65 महीने की पेंडिंग है तो सरकार के अकाउंट में 17 महीने की है, तो ये डिफरेंस कहाँ है, ये इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमारा पेंडिंग सैलरी इतना बड़ा इशू नहीं है जितना कि रेगुलाइजेशन है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी लगभग 400 के करीब खाली PHE के जो रिटायर हो चुके हैं, जो 60 साल की एज क्रॉस करके जो 30-30 साल नौकरी करके चले गए, उनको जाते समय 10 रुपये का बेनिफिट नहीं मिला, ना उनको कभी सैलरी मिली टाइमली, और जो उनकी पेंडिंग सैलरी थी जो 60-60 महीने की वो भी आज तक पेंडिंग है, वो बेचारे खाली हाथ चले गए हैं, कई साथी हमारे मर गए हैं। तो हम चाहते हैं पहले नंबर सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो रेगुलाइजेशन है, और रेगुलाइजेशन पे अभी तक सरकार अपने जो है वो कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो ये बताना चाहती है कि रेगुलाइज कब करेंगे, कैसे करेंगे। एक है 1520 जो PDP BJP के टाइम में एक बना था, उस पर भी थोड़ा काम हुआ था, लगभग 500 के कुछ ऑर्डर हुए थे, वो लोग वेजेस सैलरी ले रहे हैं परमानेंट, लेकिन PHE के अंदर जो जिनको GSA नंबर लगा था वो फाइलें अभी तक सेक्रेटरी में पड़ी हुई हैं, उनका भी ऑर्डर जो है वो नहीं हुआ। आज वो कहते हैं कि UT बनने के बाद वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो चुका है, अगर वो कैंसिल हुआ है तो उसकी जगह दूसरा SRO आना चाहिए था, तभी उसको कैंसिल करना चाहिए था, ये भी एक पेंडिंग इशू पड़ा हुआ है। तो ये सरकार इस चीज़ को बहुत लाइटली ले रही है क्योंकि जम्मू की ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है और केंद्र सरकार भी लग रहा है कि इनके आगे सरेंडर कर चुकी है, क्योंकि कोई जनता का कोई भी काम नहीं हो रहा, आए दिन सिर्फ जनता के ऊपर टैक्स डाले जा रहे हैं, जनता को कुछ नहीं दिया जा रहा। आज आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, ऑल डेली वेजर जो है स्ट्राइक के ऊपर हैं, जनता जगह जगह, स्टूडेंट देखो, आम पब्लिक देखो, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई, खाली लोगों का खून चूस रही है, इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो हम एक चीज़ क्लियर बता देना चाहते हैं गवर्नर साहब को कि जैसा आपने मिलिटेंटों के लिए एक बयान दिया है कि आप गन छोड़ो और हम आपको जवाब देंगे, तो ये एक सामने दिखता है कि वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो ख़राब हों। 61,000 परिवार हैं जो पिछले 26 सालों से सरकार का मुफ्त में काम कर रहा है और आज उनके लिए बोलने के बजाय गवर्नर साहब मिलिटेंटों को अपील कर रहे हैं, इनके लिए उन्होंने 2 शब्द तक नहीं बोले, जिससे साबित होता है कि अब आग ये जो है जी ज़्यादा भड़केगी और जम्मू का जो 61,000 डेली वेजर है ये सड़कों पर आएगा और हालात जो है लगता है कि ख़राब होने वाले हैं। हम आज भी अपील करना चाहते हैं क्योंकि हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम जम्मू के लोग इन चीज़ों में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार मजबूर करती है तो कहीं ना कहीं जो भी कदम हमें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए उठाने पड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। रवि जी पिछले 14 दिन से आज 15वें दिन है आप यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हैं और चीफ इंजीनियर साहब का ऑफिस भी यहाँ पे काफ़ी नज़दीक है, तो क्या उनके कानों तक ये आवाज़ गई, उन्होंने आपसे संपर्क किया? देखिए उन्होंने दो बार तो उन्होंने खुद संपर्क किया था और तीसरी बार हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी से, जैसे मैंने आपको बताया कि मीटिंग हुई थी, लेकिन कहने का मतलब है कि वो सब कुछ जीरो है। आज भी वही आश्वासन, झूठे आश्वासनों से वो काम चलाना चाहते हैं, जो अब डेली वेजरों ने डिसाइड किया कि ये झूठे आश्वासनों से अब काम चलने वाला नहीं है, जब तक ये सरकार, हम देखिए कोविड के दौरान हम ज़्यादा यहाँ पे लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, ये हमने 2 दिन से हमने यहाँ प्रोटेस्ट शुरू किया, हमने पहले 12 दिन तक हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कोविड के दौरान कोई सरकार के लिए परेशानी हो या हमारे लिए परेशानी हो, लेकिन जब उन्होंने नेगोशिएशन हमारे साथ हुई तो हमें लगा कि ये लोग आज भी डेली वेजर के लिए सीरियस नहीं है, तो तभी हमने ये प्रोटेस्ट शुरू किया है। अभी हमने खाली एक सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, अगर ये ज़्यादा अगर परेशान करते हैं या अगर नहीं इनकी सुनवाई होती है तो फिर हम सारे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करेंगे और ये सड़कें भी जाम होंगी, हालात भी बिगड़ेंगे, कोविड भी फैलेगा,
कोई SOP फॉलो नहीं होगी, क्योंकि जब लोग इकट्ठे होंगे फिर SOP फॉलो नहीं हो पाएगी। हम वो हालात नहीं चाहते हैं, हम इसलिए बार बार अपील कर रहे हैं, हर मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि हम बिल्कुल वायलेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सरकार खुद वायलेशन करवाना चाहती है। तो अगर यही सरकार की मंशा है तो वो भी आने वाले दिनों के अंदर हम इनको दिखा देंगे। रवि जी, क्या कारण है 370-35 टूट गया सरकार, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल सरकार नहीं है, केंद्र शासित यहाँ पे सरकार चल रही है, तो क्या दिक्कत आ रही है, क्यों डेली वेजर्स जितने भी हैं उनको जो है इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, पहले तो होता था कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना बेनिफिट सोचती थी, लेकिन आज केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद सारी पावर जो BJP के हाथ में है और जम्मू की BJP जो है वो चुपचाप बैठी हुई है, खाली स्टेटमेंट देते हैं मीडिया में कि हम ये करने वाले हैं, हम ही करेंगे, या कांग्रेस ने लगाए, NC ने लगाए। तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ, NC ने लगाए, कांग्रेस ने लगाए, जो पाप उन्होंने किए लोगों ने उनकी सज़ा उनको दे दी, और आने वाले टाइम में अगर यही हालात रहते हैं तो BJP को भी इसकी सज़ा जो है मिलने वाली है। ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही, ये तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि BJP की सुनवाई नहीं है, केंद्र में BJP की सरकार है, मेंबर पार्लियामेंट दोनों BJP के हैं, और एक तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी PMO में मंत्री हैं, और अगर आज भी उनकी सुनवाई नहीं है, देखिए आप LG साहब की स्टेटमेंट के ऊपर अरविंद रैना जी परसों बयान दे रहे हैं कि हम जो है मिलिटेंटों को जीरो टॉलरेंस नीति है, आपके भेजे हुए LG कुछ और बयान देते हैं, आप कुछ और बयान देते हैं, इससे लगता है कि ये कम्युनिकेशन गैप है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़िए, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है BJP वालों से, लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए। अगर आपने कुछ करना है, अगर आपकी सुनवाई नहीं है, तो आओ सड़कों पे, आओ टेलीविजनों के पक्ष में। पहले तो आप 2014 से पहले टेलीविजनों के साथ हमारे साथ यहाँ पे बैठते थे, इसी ग्राउंड में बैठते थे और कहते थे हमारी सरकार आएगी तो हमारा पहला एजेंडा जो होगा वो 61,000 परिवारों को, इनको टेलीविजनों को रेगुलाइज करेंगे और इन परिवारों को रिलीफ देंगे। आज 7 साल से केंद्र में सरकार है, 3 साल जम्मू में रह के गई है, तो आज इनको क्यों भूल गया? अगर ये वाकई इतने ईमानदार हैं और ये चाहते हैं कि डेली वेजर का मसला हल होना चाहिए, तो मैं इनको दावा देता हूं, आइए सड़कों पे, जब तक हमारा मसला नहीं होगा BJP सड़कों से नहीं उठेगी, क्योंकि ये BJP वही BJP है जो लोगों के मुद्दों को लेके आए दिन सड़कों के ऊपर टायर जलाती थी, आए दिन जम्मू बंद का आह्वान करती थी, लेकिन आज डेली वेजर के मुद्दे पर कहीं ना कहीं ये भी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस NC ने जो जख्म दिए थे BJP ने उनके ऊपर नमक लगाने का काम शुरू किया है, जो इनको सजा जो है आने वाले इलेक्शन में भुगतनी पड़ेगी। रवि जी, ये स्ट्राइक कब तक चलेगी और आपकी मुख्य मांगे क्या हैं जिस पे आप मतलब ये स्ट्राइक खत्म करना चाहेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि LG साहब कमिटमेंट करें रेगुलाइजेशन पॉलिसी पे, मिनिमम वेजेस और रेगुलाइजेशन पॉलिसी। मिनिमम वेजेस एक्ट ये बाकी UTOs के अंदर लागू है, एक तो वो हमारी मेन डिमांड है, और दूसरी डिमांड हमारी है रेगुलाइजेशन, जो 26 साल पहले से आज तक 94 के बाद कोई भी रेगुलाइजेशन नहीं हुई है। इन दो चीज़ों के ऊपर LG साहब जो हैं वो कमिटमेंट करें, क्योंकि नीचे लेवल की ये बात नहीं है। LG साहब अपनी स्टेटमेंट दें, उनके दिमाग में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, करना है नहीं करना है। अगर करना है तो हमें, अगर हमारी ज़रूरत है डिपार्टमेंट्स को, तो वो हमें एक प्रॉपर तरीके से हमारी रेगुलाइजेशन करें। अगर डिपार्टमेंट को हमारी ज़रूरत नहीं है, इन 61,000 लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा एक पिछला हमारा सैलरी क्लियर करें, उसके बाद एक आर्डर निकाल दें, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, फिर ये क्या तांडव होता है जम्मू के अंदर, ये हम सरकार को दिखा देंगे। और जब तक ये दो मांगें पूरी नहीं होती, तो ये डेली वेजर वापस अब काम पर जाने वाला नहीं है, दिन ब दिन ये आग बढ़ती जाएगी। आज 6 डिपार्टमेंट 7 डिपार्टमेंट के अंदर स्ट्राइक चल रही है, आने वाले दिनों में आप देखोगे कि 28 डिपार्टमेंट के अंदर ये स्ट्राइक शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे चीफ इंजीनियर ऑफिस में ये जो स्ट्राइक चल रही है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, और भी इनके अलावा 7 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये डेली वेजर्स जो हैं अभी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, और इन्होंने एक ठान लिया है कि जब तक हमारे जो मसले मसाइल हैं वो हल नहीं होते, जब तक हमारी मांगे वो पूरी नहीं होती है, तब तक ये स्ट्राइक से अब उठने वाले नहीं हैं। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ा मैडंग, न्यूज़ 7 इंडिया के लिए कैमरामैन शाहनवाज के साथ।